गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विजय वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 4A ऑफ चैप्टर 4 डिवीजन फॉर क्लास 5th। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर। यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है उनको डिवाइड करना है और बाद में उनके आंसर को वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 9,31,005। इसको डिवाइड करना है 403 से। अब 403 का तो टेबल हमको याद नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 403 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। इस तरीके से करने के बाद पहले इसका एक टेबल लिखेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनाते हैं 403 का। तो स्टार्ट करते हैं 403 को। 403 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 0 0 और 2 4 8। इसी तरीके से 403 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9, 0 और 3 4 12। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 403 की 2 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई कर दी। अब हम करते हैं डिवाइड। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 403 और अंदर की तरफ लिखते हैं 9,31,005। अंदर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और साइड वाले नंबर को बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलेंगे इसको, डिवीजर, और इसको डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट में लिखा है 931, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं 403 टू जा कितना है 806 और 3 जा पे कितना है 1209। तो ये नंबर तो 931 से ज्यादा है, तो हम 2 जा पे चलाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा 806। तो 403 टू जा 806। अब इसको माइनस करते हैं, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 1 यहाँ पे 6 से छोटा है। तो जो इसके जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है 3, उससे कैरी लेंगे। तो 3 की जगह बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 11। अब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। अब आगे वाला जो नंबर है 0, इसको नोट करते हैं। अब आया 1250। अब यहाँ पे देखते हैं 403 टू जा 806 है, 403 3 जा 1209 और 4 जा 1612। अभी जो 1612 ये तो 1250 से ज्यादा है, तो कम वाला चलाएंगे इस पे। तो लिखेंगे 403 3 जा, तो अभी 3 लिखेंगे और 3 जा पे क्या है 1209। अब इसको माइनस करते हैं। अब 0 तो 9 से छोटा है, तो जो तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ पे तो 4 बचेगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को एज इट इज नोट कर लेंगे। अब जो इससे आगे वाला जो नंबर है 0, अब इसको नोट करते हैं। तो ये है 410। अब हम चलाएंगे 1 जा पर, तो कितना आएगा 403, फिर माइनस करेंगे 410 में से 403 माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब इस 5 को नोट कर लेते हैं। अब ये 75 है, 75 तो ये 403 से कम है, तो हम 0 जा पर चलाएंगे तो कितना आएगा 00, फिर माइनस करेंगे तो 75। तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्या बच्चों, रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या हमारे पास में 2310। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं,
देखिए इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिविडेंड का डिविडेंड क्या है, यहां पर डिविडेंड हमारा 9,31,005, तो यहां पे लिखेंगे 9,31,005 इक्वल्स टू डिविजर कितना है यहां पे 403, तो यहां पे 403 डिविजर तो 403 है और क्वेश्चन कितना है 2310, तो 2310 फिर प्लस रिमाइंडर कितना है यहां पे रिमाइंडर है 75, तो यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर 75। वेरीफाई करने के लिए ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्लियर, तो इसको सॉल्व करके यही आंसर आना चाहिए, अगर यही आंसर आया तो इसको हमने सही डिवाइड किया, अदरवाइज हमारे डिवाइड में कहीं ना कहीं गलती है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2310 में 403 की, तो 2310 मल्टीप्लाई करेंगे 403 की, 3 की मल्टीप्लाई पूरे नंबर में करेंगे तो क्या आएगा 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे नंबर में 0 से, जब 0 की मल्टीप्लाई पूरे नंबर में करेंगे तो कितनी डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 40 आ जाएंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। अब इनको प्लस करते हैं तो 0 3 9, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 और 9, तो ये वैल्यू आई हमारी 9,30,930। तो देखते हैं यहाँ पे 9,30,930। अब इसमें प्लस क्या करना है 75 को, तो देखिए इसे कैसे प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 75 प्लस और कर देते हैं, तो 0 प्लस 5 तो 5 ही रहेगा, 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 9 10, 10 का 0 और कैरी 1 नेक्स्ट नंबर पे, और 1 प्लस 0 1 3 9, तो प्लस करके वही आ गया जो सेम लेफ्ट हैंड साइड में था 9,31,005। तो इस तरीके से हमने जो वेरीफाई किया वो हमारा इसमें आंसर दोनों तरफ के इक्वल आए, क्लियर, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, तो वेरीफाइड यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके आगे के क्वेश्चन भी होंगे, अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसके बी पार्ट को, तो बी पार्ट में लिखा है वंस 10,100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, तो इसमें लिखा 83,11,391 क्लियर, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 1,392 से, तो अंदर वाले नंबर को बोलते हैं डिविडेंड और साइड वाले नंबर को बोलते हैं डिविजर, क्लियर। अब यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट का नंबर देखेंगे, तो 4 डिजिट के नंबर में क्या लिखा है 8,311, तो यहाँ पे देखते हैं 8,311 किन दो नंबर्स के बीच में, देखिए यहाँ पे लिखा है 6,960 और यहाँ पे लिखा है 8,352, ये जो नंबर है 8,311 ये नंबर इन दो नंबरों के बीच में है, तो हम अभी इसे कौन सा नंबर लेंगे छोटे वाला नंबर लेंगे, तो हम चलाएंगे इसे 5 जा पर, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 जा और 1,392 फाइव जो कितना होगा 6,960, तो लिखते हैं 6,960। माइनस करेंगे 1 में से 0 माइनस करते हैं तो 1 आएगा, 1 तो यहाँ पे 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है वहां से कैरी लेंगे, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 है, 3 से कैरी लेंगे तो 3 की जगह 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, अब यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे 9 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है 8
यहां से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 8 की जगह 7 बचेगा और ये हो जाएगा 12। क्लियर, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 और 7 में 6 माइनस करेंगे 1, तो अब आया 1351। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर 3 है इसको नोट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आया 13513। तो देखिए यहाँ पे 1392 एट जा 11136 है, तो एक बार हम 9 जैसे मल्टीप्लाई करके और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे साइड में 1392 मल्टीप्लाई 9, 92 जा 18 कैरी 1, 99 जा 81 प्लस 1 82 हो जाएगा, 82 का 2 और कैरी 8, 93 जा 27 और 8 35 का 5 और कैरी 3, 91 जा 9 और 3 12, तो ये आया 12528। तो ये 2 से कम है अभी भी, तो हम यहाँ पे 9 जा पे चलाएंगे 12528। अब माइनस करते हैं, देखिए 3 तो यहाँ पे 8 से क्या छोटा है, तो लेफ्ट साइड वाले नंबर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे तो 0 बचेगा और ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, 0 2 से छोटा है, तो जो लेफ्ट साइड में जो नंबर यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 8। अब यहाँ पे 4 है, 4 तो 5 से छोटा है, तो जो लेफ्ट साइड में जो नंबर यहाँ से कैरी लेंगे तो 3 की जगह 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 1 में से 1 माइनस तो 0 आएगा। अब यहाँ पर है 985, तो अब हम क्या करेंगे, 3 के आगे कौन सा नंबर है 9, इस 9 को नोट करेंगे, तो ये हो गया 9859। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा 8352, यहाँ पे लिखा 9744 और यहाँ पे क्या लिखा 9859, तो यहाँ पे 7 जा पे चलेगा क्योंकि 8 जा पे तो 11136 है जो कि इससे ज्यादा है, तो हम इसे किस पे चलाएंगे 7 जा पर, तो अब 7 जा लिखते हैं, 7 जा कितना आएगा 9744। माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस करते हैं 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 8 में 7 माइनस करेंगे 1। अब इसके जो आगे वाला जो नंबर है 1 इसको नोट करते हैं, अब यह है 1151। क्लियर, अब देखिए ये जो नंबर है ये इससे कम है तो हम 0 पे चलाएंगे, 0 जा पर, तो 0 जा पर चलाएंगे तो 00 आ जाएंगे, तो 1511। तो ये अब नंबर इससे छोटा है अभी भी, तो ये हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पे लिखते हैं साइड में क्वेश्चन है यहाँ पे 5970 और रिमाइंडर है यहाँ पर 1151। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर, अब डिविडेंड कितना है यहाँ पे, डिविडेंड है यहाँ पर 83,11,391, तो लिखते हैं 83,11,391 इक्वल्स टू डिविजर कितना है यहाँ पे 1,392 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है यहाँ पे 5,970 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 1,151। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई करते हैं इनकी 5,970 और नीचे लिखते हैं 1,392। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर में, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आएगा, 27 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 29 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1 और 25 जा 10 प्लस 1 11। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं इनको, कैरी को रफ करेंगे यहाँ पर 90 जा 0, 97 जा 63, 63 का 3 कैरी 6, 99 जा 81, 81 और 6 87 कैरी 8, 95 जा 45, 45 और 8 53। अब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 जा 0, 37 जा 21, 21 का 1 यहाँ पे और 2 लगाएंगे यहाँ पे कैरी पे,
थ्री नाइन जो 27 और 2 29 कैरी 2 और 3 5 जो 15 और 2 17। अब हम फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 1 जो 1000 प्लेस पर है, हम 1000 प्लेस से ही लिखना स्टार्ट करेंगे और इससे पहले जो 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन। ओके, तो अब इस पूरे नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस पूरे नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा, तो लिखेंगे 0 7 9 और 5। अब इनको प्लस करते हैं, तो 0 4 9 प्लस 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 7 21, 21 का 1 कैरी 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 9 23, 23 का 3 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8। तो ये आया हमारा 83,10,240। तो यहाँ पे लिखते हैं 83,10,240। अब इसमें प्लस करना 1,151 को, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं 1,151, तो कितना आएगा 1,931,138। तो 83,11,391 सेम यही नंबर आ रहा है, तो यही भी लिख देंगे यहाँ पर 83,11,391। तो ये बच्चों हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो बच्चों जैसे बड़े बड़े यहाँ पर नंबर है तो इनको आप कैसे करेंगे, इनके टेबल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर एक टेबल बन जाएगा, 2 से लेकर हमने 9 तक मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद में हम इनको डिवाइड करेंगे और डिवाइड में ये देखेंगे कि जो नंबर्स है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, और फिर उसमें जो नंबर जो आ रहा है उसमें छोटे वाला नंबर देखेंगे। जैसे यहाँ पे था 8,311, तो देखेंगे यहाँ पे 8,311 कहाँ पर आ रहा है, तो जो 8,311 वो इन दो नंबर के बीच में आ रहा है। क्लियर? तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे, तो हमने छोटे वाला नंबर लिख दिया यहाँ पे 5 जहाँ पर। फिर हमारे पास क्या बचा, ये बचा 1,351। अब हमने आगे से 3 नोट कर लिया तो ये हो गया 13,513। तो देखिए 8 जहाँ पे तो लिखा है 11,136 और 9 जहाँ पे लिखा है 12,528। तो ये जो नंबर है 13,513, ये 9 जा पे जो नंबर है उससे भी बड़ा है, तो हम क्या चलाएंगे, 9 जा पे चलाएंगे। तुमने 9 जा पे चला दिया और इस तरह से हम इसको पूरे को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब इससे जो आगे के जो पार्ट है उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे। क्लियर?